दोस्तों, अगर आपका काम ज़्यादातर अपने फ़ोन में ही होता है, अपने फ़ोन की मदद से ही आप अपने काम को किया करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ते हो या तो अगर आप पढ़ाते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, या तो आप अपने फ़ोन से मदद से ही अपने पर्सनल काम को किया करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि अपने काम को कम से कम समय में आप किस तरह से कर सकते हो। तो ये जो ट्रिक आपको हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, अभी पूरे विश्व में पेंडेमिक का सिचुएशन आने के बाद में हम लोग का काम करने का तरीका है वो बहुत ही रैपिडली चेंज हो चुका है। अभी जितना भी काम है हम लोग का अभी ऑनलाइन अपने फ़ोन से करते हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसकी मदद से हम लोग अपने काम को कम से कम समय में किस तरह से कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप इसको बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जी हाँ, हम लोग इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अपने फ़ोन में डेटा को किस तरह से कॉपी कर सकते हैं। बहुत बड़ा लार्ज डेटा को हम लोग किसी इंटरनेट से हो या कहीं से भी उठा के अपने फाइल में किस तरह से सेव कर सकते हैं, अपने किसी ऐप में किस तरह से उसको ला सकते हैं। तो कमाल का ये वीडियो होने वाला है। अगर आपको डेस्कटॉप में कोई काम को कॉपी पेस्ट करना तो वहाँ तो बहुत ही सिंपल है, आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मोबाइल में थोड़ा सा इसका ऑप्शन ट्रिकी है। तो यही वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो इस वीडियो का बिना स्किप के अंत तक देखेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने एक टाइपिंग टिप्स का एक वीडियो बनाया, तो उसको आप जरूर देखिएगा। वहाँ पर हम लोगों ने बताया कि आप अपने कीबोर्ड की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, कीबोर्ड लेआउट किस तरह से निकाल सकते हैं, आप रीजनल लैंग्वेज में टाइपिंग किस तरह से कर सकते हैं, पूरा का पूरा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको ये वाला वीडियो समझने में, आपको ये वाला काम करने में आपको और भी ज़्यादा आसानी हो। तो इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो पहले डिस्क्रिप्शन जाकर इसको आप देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा, तो आपको काफ़ी आपको सुविधा होगी अपने वीडियो को समझने में, इस काम को आपको करने के लिए। दोस्तों, मोबाइल में हम लोग कॉपी पेस्ट का काम सीखने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर मैसेज बॉक्स ओपन कर रहे थे, तो यहाँ से मैं आपको पहले कुछ सेटिंग वगैरह दिखाता हूँ, कुछ यहाँ का कीबोर्ड का लेआउट वगैरह आपको दिखाता हूँ, तो जिसकी वजह से आपको काम करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो देखिए, साइड में आपको यहाँ पर थ्री डॉट मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहला क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होगा, लास्ट एक्शन आपका जो आपने कॉपी किया होगा, जो आपने कुछ भी काम किया होगा, लास्ट एक्शन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मैंने इसको कॉपी किया था लास्ट टाइम, तो देखिए यहाँ पर क्लिक करते ही पूरा लास्ट एक्शन जो है आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्लिपबोर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी रिपीटेड काम आपको दोबारा से करना ना पड़े। तो ये ऑप्शन आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पर डिस्काउंट में, यहाँ से इसे कर दे रहा हूँ। दूसरा बात, इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पर मोड मिलेगा, कीबोर्ड लेआउट का मोड। देखिए, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, वन हैंडेड कीबोर्ड भी मिलेगा। अगर आप लेफ्टी या तो राइटी हैंड से करते हो, तो आप इस तरह से देखिए इसको स्विचिंग कर सकते हो दोनों तरफ। तो आपकी सुविधा के अनुसार आप इस कीबोर्ड लेआउट को आपको यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग कीबोर्ड का ऑप्शन है, जो कि अपने कीबोर्ड का आप कहीं पर भी रख के टाइपिंग कर सकते हो। देखिए, मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ IT कैपिटल में लिख रहा हूँ, नॉलेज के नॉलेज हब, तो ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको कहीं से भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से बैक कर दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा टाइपिंग टेक्स्ट एडिटर, जी हाँ, तो यहाँ से आपको टेक्स्ट एडिटर में आपको जैसे सिलेक्शन करना हो, देखिए सिलेक्ट ऑल आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। तो ये फ्लोटिंग मैं बंद कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको दिखाने में समझाने में मुझे सुविधा हो। तो देखिए, यहाँ से मैं जा रहा हूँ फिर एक बार, टेक्स्ट एडिटर में क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्शन करना हो, तो सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने कंप्यूटर किया हो तो आपने वहाँ पर देखा होगा सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बस आप सेलेक्ट में एक बार क्लिक करोगे, तो इसको आप अपने हिसाब से किस तरह सिलेक्शन करना है आप इस तरह से इजीली सिलेक्शन कर सकते हो। देखिए, सिलेक्शन हो गया। साइट में देखिएगा, आपको यहाँ पर एक टूल भी मिलेगा, यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट सब कुछ आप यहीं से कर सकते हो। जैसे मुझे कॉपी करना हो, सिलेक्शन पहले मैंने कर लिया, तो कॉपी के लिए देखिए कॉपी हो गया। अभी मैं जब मान लीजिए कि मुझे पेस्ट यहीं पर नीचे में करना हो, तो मैं यहाँ पर नीचे में कर्जर में रख लिया। नीचे में देखिए ब्लिंकर, इसको हम लोग बोलते हैं कर्जर, तो पेस्ट करने के लिए बस इसका प्रेस कर दोगे तो दोबारा से हो गया पेस्ट। आप जितना भी कर सकते हो, देखिए एक ही काम का रिपीटेडली करना हो तो आप इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। पूरा का मुझे सेलेक्ट करना हो तो ऊपर में देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन बना हुआ था, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। अभी इसको मुझे कॉपी करना है, तो कॉपी टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे, तो यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, तो ये पूरा देखिए इतना सारा कॉपी हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ से भी टेक्स्ट एडिटर की मदद से भी आप कर सकते हो। अभी देखिए कट का काम क्या होगा, सपोज मान लीजिए मुझे किसी भी एरिया को कट करना हो, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा चलिए मैं यहाँ से अभी कीबोर्ड के लिए एंटर कर दिया मैंने, सपोज मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा अजीत, अजीत मेरा नाम है, मुझे सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट यही है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही काफ़ी है। अब इसको उठा के मुझे ऊपर ले जाना है, यानी कि मूव करना है, तो आप इसको कट कर सकते हो। कहाँ ले जाना आपको, तो उसी हिसाब से आप कर्जर लेके आइएगा,
में टेक्स्ट एडिटर में जाने के बाद देखें यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, बस पेस्ट में आपको क्लिक करना है, तो वो वाला जीत यहाँ पर आ गया। इस तरह से आप यहाँ से टेक्स्ट एडिटर की मदद से भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मुझे कॉपी करके अपने फाइल में किसी को सेंड करना है, मुझे व्हाट्सएप में किसी को भेजना हो या तो इनबॉक्स की मदद से मुझे किसी को भेजना हो, तो इसको कैसे कॉपी करें? तो अगर इसको मैं लिखने जाऊँ, लिखने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है इसको लिखने, तो इसको मैं सिंपली कॉपी कर सकता हूँ। तो मोबाइल में कॉपी करने के लिए देखें यहाँ पर तो टेक्स्ट, इसको कॉपी करने के लिए आप सिंपली इसके ऊपर आप टैप करोगे, इसको पकड़ के रखोगे किसी भी टेक्स्ट को, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, आप धीरे धीरे से इसको पूरा का सिलेक्शन कर सकते हैं, आप जितना आपको चाहिए इस तरह से आप ड्रैग करके सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको पूरा को सिलेक्शन करना हो तो देखिए ऊपर में सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन तो बना ही हुआ, कॉपी सेलेक्ट ऑल शेयर सब कुछ बना हुआ, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल में क्लिक कर देंगे। तो पहले आपको कॉपी करने से पहले आपको सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपने सिलेक्शन तो कर ही लिया, अब यहाँ पर देखिए कॉपी का ऑप्शन बना हुआ, तो आप इसमें कॉपी में क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया ना। अभी इसको आप नए कहीं पर भी आप इसको पेस्ट करना, जैसे मेरे पास मान लीजिए मैंने एक ब्लैंक टेक्स्ट एडिटर मैंने यहाँ से ले लिया, तो अब इसके अंदर में मुझे यहाँ पर पेस्ट करना हो, सिंपली आप यहाँ पर पकड़ के इसको होल्ड करोगे, तो होल्ड करते आपको यहाँ पर देखिए आप पेस्ट और एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप पेस्ट में क्लिक करोगे, देखिए आ गया ना पूरा। तो इस तरह से आप इजीली अपने टेक्स्ट को इजीली कॉपी करके आप कहीं भी इसको ला सकते हो, किसी को आपको ये फॉरवर्ड करना हो, किसी को आपको सेंड करना हो, नो प्रॉब्लम, आप अपने टेक्स्ट एडिटर में जाइएगा, तो यहाँ देखिए मैसेज करना हो किसी को, सिंपली आप यहाँ पर जाकर इसको, मैंने कॉपी तो किया हुआ है ना, तो अभी पेस्ट देखिए कर लीजिए, तो पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पर आ गया। अब आप अपने जिसको भेजना है उसका नंबर दे दो यहाँ पर, सेंड कर लो, तो इस तरह से आप इजीली भी कॉपी कर सकते हो। तो ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है आपको यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कंप्यूटर का पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन निकाला हुआ है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कंप्यूटर के बारे में। अगर इसको मुझे कॉपी करके कहीं पर मुझे ले जाना है, किसी को मुझे सेंड करना हो या तो अपने फ़ोन में ही सेव करके रखना हो, इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा, तो अगर इसको मैं लिखने बैठूँ, इसको टाइप करने बैठूँ तो बहुत टाइम लग सकता है, इसको हम लोग कैसे कॉपी कर सकते हैं? सेम प्रोसेस आप यहीं कहीं पर भी इसको आप टैप करो, यानी कि इसको प्रेस कर रखो, देखो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट ऑल, है ना, यहाँ पर कॉपी, तो कितना चाहिए आप उसी हिसाब से आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो मुझे पूरा नहीं चाहिए, अगर मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ तो सब कुछ मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे सब कुछ सिलेक्शन नहीं चाहिए था, तो मेरा कुछ पार्शियल मुझे यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए था, जैसे कि मुझे आधा बस इतना ऊपर का ही मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो आप इसको मैनुअली सिलेक्शन कर लो। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ ना, इसको आप पकड़ के अब इस तरह से कॉपी कर लो, देखिए कितना आसान है। अभी यहाँ पर देखिए कॉपी का ऑप्शन बना हुआ है, कॉपी आपने इसमें कर लिया, तो कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट कहाँ करना है, अपने अपने दोस्तों को भेजना या तो आपको इसको सेव करके रखना या तो व्हाटएवर जो भी करना है। चलिए तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके दिखाता हूँ, सिंपली इसको अच्छा टैप करेंगे तो पेस्ट ऑप्शन आ गया, देखिए मैंने पूरा का पूरा इंटरनेट से मैंने पूरा लेके आया, तो देखिए कितना शॉर्टकट में हम लोग का काम बन गया, तो कम समय में आप इस तरह से कॉपी पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप से कोई भी डाटा को आपको कॉपी करना तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें किसी ने फॉरवर्डेड मैसेज यहाँ पर भेजा हुआ है, तो अगर मान लीजिएगा आप इसको अपने रियल कॉन्टेक्ट की तरह आप इसको फर्स्ट टाइम किसी को सेंड करना हो, आपको इसको कॉपी करना है, फॉरवर्ड तो इजीली हो जाएगा, अगर इसको मुझे कॉपी करके मुझे इनबॉक्स के थ्रू से भेजना हो या तो अगर आप इसको कहीं पर सेव करके रखना हो तो आप कैसे कर सकते हो इसको कॉपी? तो सिंपली इसको भी सेम प्रोसेस आप इसको टैप करोगे, देखिए इसको सिलेक्शन करने के बाद आप देखें यहाँ पर साइड में थ्री डॉट मिल जाएगा, तो ये व्हाट्सएप पर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करने में देखें आपको कॉपी मिलेगा, रिप्लाई प्राइवेटली, तो आप यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, तो हम यहाँ पर आप सिंपली कॉपी में क्लिक करोगे, मान लीजिए कि मुझे यहीं पर अंदर ही इसको मुझे पेस्ट करना हो तो आप सिंपली यहाँ पर देखिए टैप करेंगे अंदर में इसको पेस्ट कर दो, तो देखिए पूरा का पूरा आप ये आपका रियल कंटेंट की तरह ये आ गया यहाँ पर। देखिए अगर इसका आप किसी को सेंड भी करोगे तो वहाँ पर एज अ फॉरवर्डेड जैसा नहीं आएगा, तो आप इसको फर्स्ट टाइम सेंड कर रहे हो उस तरह का ये ऑप्शन आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिला ना। अगर आप इसको इनबॉक्स की मदद से किसी को सेंड करना हो तो देखिए, तो ये मैसेज बॉक्स की मदद से मैं यहाँ से करके देख रहा हूँ, सिंपली आप यहाँ पर अंदर में देखिए इंटर मैसेज में आप इसको टैप करोगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन तो आना ही है, तो देखिए पूरा मैसेज आ गया। देखिए तो इस तरह से आप कहीं पर भी इसको किसी भी जगह से आप उठा के कहीं पर भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट ऐसा ऑप्शन है जहाँ से आप अपने काम को 100% टाइम से लेकर आप उसको 1% आपको टाइम कंज्यूमिंग मिलाकर आप अपने काम को कर सकते हो, तो ये आ गया ना।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा मोबाइल में कॉपी पेस्ट का वीडियो, कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो इस वीडियो की मदद से। अगर आप IT नॉलेज हब को पहली बार देख रहे हो, हमें पहली बार सुन रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से आपको सबसे पहले मिलते रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।